शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम पिछले सूत्र में लभ्यतेपि तत्कृपयैव, महात्माओं का जो संग सत्संग जो है वो कैसे मिलता है, भगवान की कृपा से ही मिलता है, इसके बारे में बता दें। अब आज का जो सूत्र है हम अध्ययन कर रहे हैं वो है 41, 41वां सूत्र है। तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्। इसका अर्थ ये है कि भक्त और भगवान में भेद नहीं, अतः भक्त की कृपा पाने पर उनकी मतलब ईश्वर की ही कृपा प्राप्ति होती है। भक्त और भगवान में भेद नहीं, तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्। तस्मिन् मतलब भगवान, तज्जने उनके लोग, उनके लोग कौन है, भक्त है। भगवान के लिए भक्ति ही अपने सर्वस्व, इसलिए भगवान के लोग मतलब भक्त, सचमुच भक्त जो है या महात्मा जिसके बारे में कहते हैं महात्मा साधु, भगवान में और ये साधु में भेद अभावात, भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। मतलब जो भक्त है वो भगवान है। क्यों हमें महात्माओं की सेवा करना चाहिए, उनके संगति करना चाहिए, क्योंकि ये महात्मा और भगवान इनमें भेद नहीं है। हमें तो चाहिए भगवान, भगवान के दर्शन, उनके दर्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम पिछले सूत्र में हम देखे हैं वहाँ पर कहते हैं ये सब्जेक्ट जो है शुरू हुआ था ये साधना के बारे में कहते उन्होंने महात्माओं की कृपा मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। भक्ति पाने का मार्ग में दो तीन बात बताने के बाद नारद जी कह रहे हैं मुख्यतस्तु, मुख्य रूप से भक्ति कैसे मिलती है, महत् कृपयैव महात्माओं की कृपा से, भगवत कृपा लेशाद्वा थोड़ी सी भगवान की कृपा से। और उसके बाद कहते हैं कि महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, लेकिन महात्माओं का संगति जो है, संग जो है वो मिलना उतना सहज नहीं है, दुर्लभ मिलना मुश्किल है, और अगम्य यदि हमें मिल जाए तब उनको समझने में भी मुश्किल है, उतना जल्दी समझ नहीं पाते। लेकिन एक बार मिल गया, उनके संग हमने किया, अमोघश्च उसका फल मिलेगा ही, फल क्या है, भक्ति, भक्ति का प्राप्ति सचमुच हो जाएगा, ये बात कहते हैं। और उसके बाद ये जो दुर्लभ है महत्संगा लेकिन मिल सकता है, कैसे, लभ्यतेपि तत्कृपयैव, उनकी कृपा से मिलता है। अब देखिए भक्ति मिलने का उन्होंने मार्ग बताया, एक महात्माओं के संग और दूसरे भगवान की कृपालेश, और ये महात्माओं के संग भी मिलना मुश्किल है, और यदि मिल जाए कहाँ से मिलेगा, भगवान की कृपा से ही।
मतलब एकदम इतना भगवान की कृपा के बारे में कह रहे हैं नारद जी यहाँ पे, और लभ्यते अपि तत्कृपयैव, उनकी कृपा से है। और क्यों महात्माओं की संगति क्यों करना चाहिए, साधु संग क्यों करना चाहिए, कहते हैं तस्मिन् सज्जने भेद अभावात्। भगवान में और भगवान के जो भक्त ये महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है। देखिए हम इस दुनिया में भगवान को किसने देखा है पता नहीं, लेकिन हमें देखने मिलते हैं महात्मा लोग। मतलब जो भी हमें देखने मिलते हैं हमारे वश में है जिनका दर्शन करना, उनको पकड़ के भगवान के पास जाने का मार्ग बता रहे हैं हमें, उनको पकड़ के भगवान के ओर जाने का एक मार्ग हमें बता रहे हैं। तस्मिन् सज्जने भेद अभावात्, उनकी महात्माओं के संग क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। इसके बारे में देखिए हमारे ये सनातन धर्म में शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे इस विषय में, सभी जगह में ये बात कहते हैं। मतलब ये भगवान की कृपा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, या अद्वैत में जैसे ब्रह्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें ये महात्मा या गुरु की कृपा जो है, गुरु का जरूरत जो है, उसके बारे में सभी जगह में बताते हैं। सभी शास्त्र का अलग अलग है, वेदांत है, योग है, और उसके बाद आप वैष्णव मार्ग में जाइए, शैव मार्ग में जाइए, जो भी इसमें जाइए, भक्ति मार्ग में हो, कर्म मार्ग में, जहाँ भी हो, आपको गुरु की एक जरूरत जो है उसके बारे में कहते हैं, और उनके महत्व के बारे में कहते हैं। महात्माओं के कृपा मतलब गुरु की कृपा, इसके बारे में बार बार कहते हैं, क्योंकि तस्मिन् सज्जने भेद अभावात्। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें शास्त्र में इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे शास्त्र में मूल शास्त्र है वेद, उपनिषद भी वेद का अंग है, वेदांत कहते हैं उसको। वेदांत में उपनिषद में क्या कहते हैं इसके बारे में, यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम उपैति। मतलब यब जब पश्य, मतलब ये साधक जो है वो पश्यते रुक्मवर्णम, वो उनकी दर्शन करते हैं, किसकी, रुक्मवर्णम, जो सोने के रंग जो है, परमात्मा के बारे में कह रहे हैं सोने के रंग वाले, और कर्तारम, सचमुच कर्ता वो ही है, हम सिर्फ उनके हाथ में आयुध है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में, सचमुच कर्ता वो है। कर्तारम ईशम, जो इस दुनिया का जगत का परिपालन करते हैं, ईशम, और उसके बाद ब्रह्मयोनिम, ब्रह्म ही वहीं से आते हैं, ब्रह्म का मूल भी वही है, ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। तब ये जो विद्वान जो है, विद्वान मतलब जिसको ज्ञान का प्राप्ति हुई है, वो विद्वान सिर्फ शास्त्र पढ़े नहीं है, शास्त्र का जो ये है साधना करके अनुभव हुआ है, विद्वान विद्या जिसको प्राप्त हुई है विद्वान, वो क्या करते हैं, पुण्य पापे विधूय, पाप और पुण्य के परे हो जाते हैं, पाप और पुण्य के परे हो जाते हैं। पाप पुण्य और पुण्य के परे कैसे होते हैं, पाप पुण्य कैसे होता है, मैं ही एक कई कर रहा हूं, ये जो अपने अंदर अहंकार जब तक रहता है तब तक पाप पुण्य रहेंगे, जब वो ही नहीं रहा, सचमुच भगवान ही सब कर रहे हैं, मेरे द्वारा करवा रहे हैं, ये भाव जिसमें आएगा उसको पाप और पुण्य का कोई ये नहीं है, उस स्थिति को ये पहुंचे हैं। ऐसे महात्मा, ऐसे विद्वान, विद्वान कहते हैं उनको निरंजन,
मतलब संपूर्ण रूप से निर्मल पवित्र बन गए हैं। और वो क्या कहते हैं, परमम साम्यम उपैति। साम्यम, जिसका जो दर्शन के लिए गए थे उनके स्वरूप बन जाते हैं, साम्यम उन जैसे बन जाते हैं, एकदम उन जैसे ही। मतलब उन जैसे मतलब क्या है, यहां ये उपनिषद है, उपनिषद में आत्मा या ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं, उनके स्वरूप बन जाते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया। जब उनके दर्शन होते हैं, उनके दर्शन होते हैं अनुभव, यह तो अनुभव की बात है, दर्शन मतलब ये आंखें से देखना नहीं है, इसका आंखा आंखें अलग है, ज्ञान दृष्टि से उनका दर्शन होते हैं। जब उस दृष्टि से उनके दर्शन होते हैं, होने के बाद क्या होता है, तब ये पाप पुण्य के परे हो जाते हैं, परम पवित्र बन जाते हैं। और इस कारण से क्या होते हैं ना, उनका अहंकार संपूर्ण रूप से मिट गया, इसलिए परमम साम्यम उपैति, उन जैसे बन जाते हैं। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, वो भगवान का ही व्यक्ति बन जाते हैं, भगवान जैसे बन जाते हैं, भगवान जैसे बन जाते हैं। उनको भगवान कहते हैं हम, उनको हम भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान जैसे बन जाते हैं। और उसके बाद ये मुंडकोपनिषद में कहा गया, मुंडकोपनिषद में और एक बात भी कहा गया, वो कहते हैं सयो हवई तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है, विद ज्ञाने, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म एव, वो ही ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म मतलब क्या है, परम सत्य जो सर्वव्यापी है, सत चित आनंद, वो परब्रह्म है। जो जिसने उनको जान लिया, ज्ञान मतलब यहां पर जैसे हम किताब से हमें कुछ मिलता है ना, वो ज्ञान नहीं है, वो पढ़ के हमने मुखस्त किया है इसलिए हमें आया है, वो नहीं, अनुभव से। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं ज्ञान का मतलब क्या है, अब देखो ये जो गाय का है ना, दूध मिलते हैं हमें, गाय का थन से दूध मिलता है, और दूध में क्या क्या है ये सब हम पढ़ते हैं, वो ज्ञान हुआ। लेकिन जब वो दूध पी के हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं, अपने आरोग्य को वृद्धि करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलता है, मतलब इसका मतलब क्या हो, ये अनुभव हुआ अपना, किताब में पढ़ा हुआ नहीं है, ये अनुभव। आप जितने भी बोलो दूध में ये है, मतलब इतना शक्ति है, ये सब बोलो, लेकिन आपको शक्ति नहीं मिलेगा। वो शक्ति कब मिलेगा, जब दूध पिएंगे, पीने के बाद जब हमारे अंदर शक्ति आता है ना, तब शक्ति मिलेगा। वैसे ही ज्ञान ही वैसा ही, शास्त्र जब पढ़ेंगे ना, जितना भी हमें समझ में आ जाए वो सब अपने दिमाग तक रहता है, बुद्धि। लेकिन जब उसका साधना करते हैं, जब साधना करते हैं, उससे क्या होता है, अनुभव होता है। अनुभव, अनुभव जब होता है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वो व्यक्ति ब्रह्म बन जाता है। क्योंकि ये देखिए, किताब से हम जब पढ़ते हैं ना, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। आजकल हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ये करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो उसको दूसरों के कैसे पहुंचना, इसके बारे में बहुत बड़ा क्रांति हो गया है, रेवोल्यूशन। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जितना ज्यादा हमारे पास आता है ना, उतना हमारा तकलीफ बढ़ता जाता है, आप सब जानते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन है हाथ में, उसको पकड़ के हम इंफॉर्मेशन इसके पल्ले में पड़ के ना, उसके बाद क्या होता है, रात को नींद नहीं है, और किसी से बात करने के लिए समय नहीं है, अपने को आनंद नहीं है, दूसरों को देने नहीं देते, ये इंफॉर्मेशन का है। लेकिन ये बात नहीं कह रहे हैं, दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है,
सचमुच ज्ञान हुआ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसमें जो सोच है ना संपूर्ण रूप से अलग होता है। कैसे अलग होता है, ये मेरा ये पराया ये भाव मिट जाता है संपूर्ण रूप से। क्योंकि अभी हमें शरीर है, अपने मन है, शरीर का देखभाल करना पड़ेगा और इस शरीर के संबंध सब कुछ मेरा है मेरा है और बाकी सब दूसरा है, ये भाव अलगा भाव रहता ही है। लेकिन जब ये ब्रह्म ज्ञान होता है ना तब ये भाव जो है वो मिट जाता है, ये भाव जो है मिट जाता है संपूर्ण रूप से, उससे मुक्त हो जाते हैं। उससे मुक्त होने पर देखिए, जब हमारे शरीर इसके संबंधित जो भी है उसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं लेकिन वो भाव ही चला गया, तब क्या होता है, ये है ना, मतलब दूसरे कोई आके मेरे को छीन लेंगे, मेरे को ये करेंगे वो करेंगे, भय नहीं रहेगा, ये भाव कुछ भी नहीं रहेगा, संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। तब आनंद कितना होगा आप थोड़ा सोचिए, मतलब सारा दुनिया मेरा हो गया, अलग दूसरा किसी का नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं ही और मेरा शरीर इसके संबंधित सबको मैं ही और मेरा मैं कह रहा हूं। लेकिन उनका जब ये मिट जाता है ना, इसका मतलब क्या है, सारा दुनिया उनका बन गया, सारा दुनिया, तब उसका आनंद कितना होगा थोड़ा सोचिए। इसलिए ये जो ये ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म बन जाता है उसको, वो आनंद का प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति और भगवान अलग नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है, हम उनसे क्यों अलग समझते हैं, अलग हम क्यों समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, मैं हूं मेरा शरीर है, इस कारण से वो भी मिट गया, वो संपूर्ण रूप से मिट गया। वो जब भी मिट जाएगा तब क्या होता है, सारा दुनिया मेरा है। कई लोग बोलते हैं, मतलब ये सब बोलने के बाद ना वो लोग कहते हैं, देखो तुम्हारे पास जो है वो सब मेरा है और मेरे पास जो है वो भी मेरा है। क्योंकि हर एक का है ना, एक ने ऐसे प्रवचन सुना था, स्वामी जी बोल रहे थे और सुन रहा था, उसको बहुत अच्छा लगा। ये क्यों अच्छा लगा, क्योंकि सब कुछ है ना एक ही है, इसका मतलब इस दुनिया में जितना है सब कुछ मेरा है और मेरा भी मेरा है, बस किसी को देना देने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये सब अपने बुद्धि है ना, इससे चाल चलन ये करने वाला है। ये सब बोलने के बाद कोई आके फिर थोड़ा छीन ले, छीन के चले जाए कुछ पैसे या जो भी हो, कैसे होता है उसका हाल। लेकिन ये जो सचमुच ये ब्रह्मविद होता है ना, ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, उनमें अपनापन भाव नहीं होता है। आप सब जानते हैं पवहारी बाबा के बारे में, स्वामी विवेकानंद इसके बारे में कहते हैं, उनके पास ना एक बार एक चोर आ गया था और चोर आके उन्होंने क्या किया, उनके जो इसमें गुफा में घुस गया, वहां जाने के बाद ये डब्बा था और वो डब्बा ले रहा था, उसी समय पवहारी बाबा मतलब ध्यान करते बैठे हैं, उनको वो जाग गए, जैसे उनमें चलन आ गया वो सिर्फ वो डब्बा लेके चला गया, उसका ढकना जो था वो वही रह गया, उसको लेके भागे, उनके पीछे भागते रहे, वो डर गया चोर। बहुत दूर जाने के बाद उनको पकड़ लिया इन्होंने, तब पवहारी बाबा ने बोला, देखो सिर्फ ये डब्बा से तुम्हें कोई काम नहीं होगा, ये ढकना भी लेके जाओ तब तुम्हारा काम में आएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा भाव ही नहीं है, वो सोच रहा है उनके बारे में, उनके बारे में मतलब क्या है, ये जो इसके अंदर जो है वो वहां भी है, वो लेके जाएगा उसको तो काम में नहीं आएगा ये, फिर क्या करना चाहिए, मेरे को भी कोई काम का नहीं है, उसको भी कोई काम का नहीं, इसलिए उसको काम में कम से कम आ जाए, इसलिए वहां जाके दे रहे हैं। ये है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये अनुभव होता है, अपने अंदर जो अहंकार ये मेरा ये है ना चला जाता है। ऐसे जो महात्मा है तस्मिन तज्जने, उनको तज्जन उनके लोग कहते हैं, नारद जी यहां पर उनके लोग, भगवान के लोग हैं ये, भगवान के लोग हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। और शास्त्र में इसके बारे में बहुत सारे बताया गया है,
भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ये कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका अर्थ ये है, समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूत में मैं एक जैसा मैं हूं, उसमें कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, पोटेंशियली डिवाइन, दैव जो दैवत्व जो है हमारे अंदर का शक्ति है, लेकिन व्यक्त नहीं हुआ है, अंतर्निहित है। वो जो शक्ति जो है सबके अंदर एक ही है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरे को किसी से नफरत नहीं है और किसी का ये भी नहीं लेता मैंने, मतलब किसी का पक्ष भी नहीं मैं लेता, सब मेरे लिए सभी एक ही है। न मे द्वेष्योस्ति, किसी से नफरत और किसी से प्यार, प्यार मतलब उसी से प्यार, ऐसे नहीं होगा मेरा। और ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो मेरे को भजते हैं, भगवान को भजते हैं, भजन करते हैं, भज मतलब सेवा, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो लोग मेरे में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। मतलब ये भक्त, भगवान जो है भक्त के अंदर है, और भक्त कहां पर है, भगवान में है, क्योंकि भगवान तो सारी दुनिया है, सारी दुनिया उनका ही है, इसलिए सब कुछ सबको ही उनके अंदर ही है। और ये भगवान के एक अंश भक्त के अंदर है, हर एक का अंदर है, इसलिए मैं उनके अंदर हूं। क्या होता है ना, इसलिए किसी महात्मा से पूछा गया, अच्छा ये भगवान सब जगह में है, सर्वव्यापी बोलते हैं, सबके हृदय में है, तब मैं ये समझ में नहीं आता क्यों, क्यों लोग इतना मतलब इधर उधर भागते हैं, ये क्या है अशांति, ये सब क्यों होता है। तब उन्होंने बताया, देखो भगवान सबके अंदर है लेकिन सभी भगवान के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें इस दुनिया से मतलब है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। वो सोच होना चाहिए ना, सचमुच भगवान अपना है, ये अपनापन भाव आना चाहिए ना। जब तक वो नहीं आएगा हम भगवान के अंदर नहीं होंगे। भगवान हमारे अंदर है, भगवान के लिए सब एक ही है, लेकिन हमारे लिए मैं अलग और दूसरा सब अलग। जब दूसरे किसी को अलग बोलते हो, ये अलगा भाव जो होता है, तब आप भगवान में नहीं हो। भगवान आपके अंदर है लेकिन आप भगवान में नहीं हो, आपके मन दूसरा कहीं है। इसलिए मयि ते तेषु चाप्यम, जब ये अलगा भाव चला जाता है, ये भक्त क्या समझते हैं, भगवान ही सब कुछ है उनके लिए, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए, जो भी हो जैसे भी, मतलब उसको दुख होने से वो ऐसे नहीं समझता, मतलब मेरे को दुख हुआ है, भगवान ने जो भी दिया है उनके प्रसाद है, भगवान ने जो भी दिया है उनके प्रसाद है, इसीलिए सब कुछ में भगवान को देखते हैं। कुछ मिला अच्छा सुख के लिए, उसको भी भगवान के प्रसाद मानते हैं, दुख मिला तब भी भगवान के प्रसाद मानते हैं। लेकिन हमारा समस्या है, जब कुछ अच्छा मिलता है, अच्छा भगवान की कृपा से मिल गया, लेकिन जब दुख होता है ना, तब हम बोलते हैं अरे मेरे लिए क्यों देते हैं भगवान ये सब दुख मेरे लिए, मेरे को क्यों देते भगवान, है ना। उस समय हमें ये समझ में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं और मेरा ये सब हो गया ना, तब तक हम मतलब भगवान के अंदर नहीं है। लेकिन ये जो भक्त जो है, सचमुच भक्त जो है, वो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मयि ते तेषु चाप्यहम्, वे मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर हूं, इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, उनमें भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई भेदभाव नहीं है। और ये भक्ति का जो शास्त्र है भागवत, भागवत में सभी शास्त्र का है, उसमें ज्ञान है, भक्ति है, योग है, कर्म है, सब कुछ है भगवत में।
विशेष रूप से भक्ति, भक्ति प्रधान एक शास्त्र है भागवत। भागवत में भगवान ये बात कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजम साधु भिर ग्रस्त हृदयो भक्तई भक्त जनप्रियः। वो कहते हैं भगवान, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के वश में हूं। भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त पराधीनो, भक्त के अधीन हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके बारे में, रामकृष्ण वचनामृत जब हम पढ़ते हैं ना, तब हमें बहुत सारे जगह में श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके बारे में, भगवान जो है भक्त के वश में है। सचमुच भक्त जो होता है उनके वश में भगवान, जो भी मांगेंगे उनके वो देते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे करते हैं भगवान। और अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजम, अस्वतंत्र मेरे कोई अपना स्वतंत्र नहीं है, पराधीन हूं, मुझे साधु साधु भीर ग्रस्त हृदयो, मुझे थोड़ी भी स्वाधीनता नहीं है, साधु और भक्तजनों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्त ही भक्त जनप्रिय, वैसे ही मैं साधु और भक्तजनों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है, मैं भक्तों के प्रिय हूँ, भक्त मेरे प्रिय हैं। भागवत में मैं भक्तों के प्रिय हूँ, भक्त मेरे प्रिय हैं। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भक्त। भक्त को सबसे कौन प्रिय है? सचमुच भक्त है ना भगवान, ये है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि भगवान को ढूंढना चाहते हो, कहाँ ढूंढोगे? भक्तों के हृदय में, क्योंकि भक्त हृदय भगवानेर बैठक काना, भक्त के हृदय ही भगवान का बैठक काना है, ड्राइंग रूम। हम ज्यादा समय कहाँ रहते हैं? अपने ड्राइंग रूम में। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कोई जमींदार को ढूंढने के लिए जाओगे कहाँ जाओगे? उनका ड्राइंग रूम में जाओगे ना। वैसे भगवान को ढूंढने के लिए भक्त के हृदय में जाना, वहां ज्यादा समय भगवान वहीं रहते हैं। भक्त पराधीन, हाँ। और उसके बाद भागवत में और एक बात भी कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम मदन्यत ते न जानती नाहम तेभ्यो मनागपी। और कहते हैं कि मेरा प्रेमी भक्त मेरा हृदय है और मैं साधु भक्त का हृदय हूं। मेरे भक्त जो है, भक्त मतलब सचमुच भक्त, जो प्रेमी भक्त जो होते हैं, जिसके बारे में पहले नारद जी ने बताया, सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ऐसे भक्त भक्ति जिनको मिला है, ऐसे भक्त वो क्या है? प्रेमी भक्त मेरा हृदय है, भगवान के हृदय, और मैं साधु भक्त का हृदय हूं, क्योंकि वहीं रहते हैं भगवान, साधुओं को भक्तों को हृदय में रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, मदन्यत ते न जानंती, मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते। भक्त के पास जाओ, सिर्फ भगवान के बारे में बोलते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत फिर पढ़िए, भगवान को निकाल दीजिए वहां से और कुछ भी नहीं है उसमें, भगवान ही भगवान है। श्री रामकृष्ण के पास में जो भी जाते थे उनके साथ श्री रामकृष्ण क्या करते थे? भगवान की ही बात कहते थे। और आप अकेले जब रहते थे भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे। भक्त को लिए भगवान ही सर्वस्व है, इसीलिए मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं है, नहीं जानते हैं, और मैं भी उन सब के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। इसलिए ये जो है, मतलब भक्त और भगवान में कोई भेदभाव नहीं है, कोई तस्मिन तज्जने भेद अभावात, भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? महत कृपा, उनके जो महात्माओं की कृपा पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। उनकी कृपा हुआ फिर भगवान की कृपा भी हुआ।
इसलिए देखिए गुरु कृपा के बारे में इतना महत्व क्यों देते हैं, इस कारण से। और उसके बाद श्री रामकृष्ण और एक बात कहते हैं, भागवत, भक्त और भगवान, ये तीनों एक ही है। भागवत, भक्त और भगवान। भक्त मतलब हमें जानते हैं, वो होने के लिए हम भी सब नारद भक्त सूत्र पढ़ रहे हैं सचमुच भक्त होने के लिए। और भागवत मतलब ये जो भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ना, इसको सिखाने वाले जो शास्त्र है वो भागवत है। भक्ति मार्ग को सिखाएगा, भक्ति मार्ग है। और भगवान जिसको पाने के लिए साधना करते हैं, युग युगों तक साधना करते रहते हैं भक्त, वो भगवान। ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु है, मतलब उन परमात्मा ने ही गुरु के रूप में आए हैं। तस्मिन तज्जने भेद अभावात, जब भी जिसको भी मंत्र दीक्षा हुआ है, मंत्र दीक्षा के समय अपने गुरु क्या कहते हैं, कहते हैं श्री रामकृष्ण का मंत्र देके और उसके बाद उनका इष्ट देव, और ये भी कहते हैं श्री रामकृष्ण ही आपके गुरु हैं, इष्ट भी वो ही है, गुरु भी वो ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस गुरु से आपने मंत्र लिया है श्री रामकृष्ण के स्वरूप है। तस्मिन तज्जने भेद अभावात, तस्मिन तज्जने भेद अभावात, ये महात्मा गुरु और ये अलग नहीं है, भगवान और गुरु, क्योंकि भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। और किसको हम गुरु बोलते हैं, जो भगवान को जान लिया। श्री रामकृष्ण के उदाहरण देखिए, जो वाराणसी जाना चाहता है, काशी जाना चाहता है, वो क्या करते हैं, जो भी गया है काशी देख के आए हैं उनको पकड़ना चाहिए ना, उनके पास जाने से हमें पता लगता है कैसे जाना और रास्ते में क्या क्या ये मिलता है और कहाँ कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ कहाँ भय है। उन दिनों ना बहुत पैदल चलना पड़ता था, इसलिए वो सब तकलीफ वो सब के बारे में बोलते थे। और सुगम कहाँ पर होता है मार्ग, किसको साथ में ले जाना चाहिए, ये सब के बारे में बता देते हैं। और वाराणसी में जाने के बाद क्या क्या देखना चाहिए, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है, सब कुछ, क्योंकि वो देख के आए हैं। वैसे ही जो गुरु कौन है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, इसलिए उनके पास जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। वे ही हमें मार्गदर्शन करवा सकते हैं, वे ही हमें भगवान का जाने के लिए मार्गदर्शन करवा सकते हैं। इसलिए गुरु जो है, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। तस्मिन तज्जने भेद अभावात, इसलिए उनकी कृपा के लिए हमें पाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, उसको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। श्री रामकृष्ण और एक बात कहते हैं इसको समझने के लिए, जो गाय उससे हमें दूध मिलता है। आप सब साइंस पढ़े हैं, दूध कहां उत्पन्न होता है गाय के शरीर में, रक्त से दूध उत्पन्न होता है। लेकिन रक्त तो उसका सारा शरीर में है, जैसे हमारे शरीर में रक्त सब जगह में रक्त ही है, हार्ट पंप करता रहता है इसलिए सब जगह में जाता आता रहता है। लेकिन उसके दूध कहां से मिलता है हमको, थन से मिलता है। देखिए सारा शरीर में है, सचमुच देखने जाएंगे तो सारा शरीर में है, लेकिन हमें कहां से मिलता है, थन से मिलता है। वैसे ही भगवान तो सभी जगह में है, लेकिन हमें कहां मिलेंगे, इसलिए महात्माओं को पकड़ना चाहिए, उनके पास जाने, उनकी कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। महात्माओं को पकड़ेंगे, उनके द्वारा हमें परमात्मा के दर्शन होगा। तस्मिन तज्जने भेद अभावात, क्योंकि ये महात्मा लोग हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है,
निरंजना, पवित्र। इस कारण से, देखिए जो गुरु का महत्व कह रहे हैं यहां पे, इस कारण से भगवान की जो है, भगवान तो हर एक के हृदय के अंदर है, भगवान सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। लेकिन सबको भगवान की कृपा क्यों नहीं होती, मतलब क्यों उनके दर्शन नहीं होते? अपने हृदय में ही है हमारे, हमें कोई सबसे नजदीक कोई हो वो भगवान है, फिर भी उनके दर्शन नहीं होते, क्यों? क्योंकि अपने अंदर ये जो मन जो है, अहंकार है, इस कारण से अहंकार जो है, अपवित्रता जो है, इस कारण से जब हम पवित्र बन जाते हैं, तब ये जो आवरण जो है, अज्ञान का आवरण, अज्ञान कहते हैं, अहंकार मतलब अज्ञान है, अज्ञान का आवरण उसको हटा देते हैं, तब भगवान की कृपा होती है, दर्शन होते हैं। और जिसको भगवान के दर्शन हुआ है, उनके द्वारा भगवान की कृपा बहती है। सबके अंदर भगवान की शक्ति है, अंदर है, भगवान बैठे हैं, लेकिन ये अज्ञान के कारण, अपवित्रता के कारण, ये अहंकार के कारण ढका हुआ है। श्री रामकृष्ण कहते थे, देखो मैं यहां बैठा हूं, तुम सामने बैठे हो, और कपड़ा ऐसे सामने करके भी कहते, देखो मेरे को नहीं देख पाते तुम, क्यों? बीच में ये कपड़ा है। ऐसे ही अज्ञान, भगवान अपने सबके नजदीक भगवान है, अज्ञान के कारण उनके दर्शन नहीं होते हैं। वैसे भगवान की कृपा ही वैसा ही है, भगवान मतलब उनकी कृपा। जिसके अंदर ये अज्ञान या अहंकार संपूर्ण रूप से मिट गया है, हट गया है, उनके द्वारा ये कृपा बहती है, भगवान की कृपा बहती रहती है। इसलिए महात्माओं की कृपा पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमें तो भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति। इसके लिए क्या करना चाहिए? महात्माओं को पकड़ो, महात्माओं को पकड़ो। स्वामी अद्भुतानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, और ये एकदम निरक्षर, कोई पढ़ाई कुछ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण को अल्फाबेट सिखाना चाहते थे, वो दो तीन बार कोशिश करके छोड़ दिया, चल नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी श्री रामकृष्ण कहते थे वो दूसरे रूप से उसका प्रोनाउंस करते थे, उच्चारण करते थे, इसलिए श्री रामकृष्ण छोड़ दिया। और उसके बाद एक दिन उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हारे मुंह से वेद का जो सत्य जो है वो निकलेगा। सचमुच बाद में ये सचमुच ये हुआ। देखिए वो क्या कहते हैं अद्भुतानंद जी महाराज, लाटू महाराज बहुत बड़े महात्मा थे, कहते हैं हु इज ए साधु। साधु मतलब क्या है? महात्मा के बारे में हम बोल रहे हैं, हु इज ए साधु। ही इज ए साधु हु इज थिंकिंग ऑफ गॉड ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन हिम। मतलब सदा भगवान के स्मरण करते रहते हैं और भगवान के ऊपर ही निर्भर करते हैं, मतलब किसी के ऊपर ये नहीं है, सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर करते रहते हैं। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सुख हो दुख हो जो भी हो, वो भगवान का ही ये लेते हैं, सहारा लेते हैं, और कोई सहारा नहीं लेते। और उसके बाद एंड इज विदाउट ईगो एंड सेल्फिशनेस, उसमें अहंकार और स्वार्थ कुछ भी नहीं है, संपूर्ण रूप से मिट गया है। ऐसे व्यक्ति को साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। वे महात्मा है, क्या है उनमें? जो भगवान को सर्वदा स्मरण करता है, क्योंकि दूसरे स्मरण उनके मन में आता ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें अपना शरीर बोध है, इसलिए हम अपने बारे में सोचते हैं। वो महात्माओं को नहीं है, अपने शरीर का ये है ना, अलग है, ये भगवान का ही है, एकदम भगवान के ही मंदिर है, इसलिए उनको अपने बारे में सोचने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए सब समय वो भगवान के स्मरण करते रहते हैं,
और उनके बारे में उनके ऊपर ही निर्भर करते रहते हैं, और उनका कोई अहंकार नहीं है और स्वार्थ भी नहीं है, इनको महात्मा कहते हैं। देखिए मतलब लाटू महाराज का ये अपने अनुभव की बात है, स्वामी अद्भुतानंद जी अपने अनुभव से कहते थे, जो अनुभव हुआ है उसको कहते थे। और इसीलिए नारद जी कहते हैं देखो तुम्हें ये भक्ति मिलना ये है मुश्किल है, लेकिन उसको मिलने के लिए क्या करना चाहिए, साधना के बारे में कहते हैं, और उसके बाद भगवान सब समय भगवान का स्मरण करना ये सब कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा, मुख्य रूप से महात्माओं की कृपा से मिलती है, लेकिन महात्माओं की जो ये होना ना उनको मिलना और उनको समझना ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। और महात्मा और भगवान ये दोनों अलग नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं महात्माओं की कृपा, और उनकी कृपा मतलब क्या है, ठीक है महात्माओं के पास गए तब क्या करना चाहिए, उनका जो भी उपदेश हो उसको जीवन में पालन करना चाहिए, भक्ति पाने के लिए साधना करना होगा ना। वो क्या है कहते हैं, गुरु का उपदेश जो है अपने जीवन में लाना चाहिए। गुरु का पूजा कर लेते हैं हम आराम से, लेकिन वो कहते हैं ना उसको जीवन में लाना, अपने जीवन में वो साधन करना, वो हमें बहुत मुश्किल है। सुबह शाम बैठ के जब ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो, और सच्ची बोलो झूठ मत बोलो, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन महात्माओं की पूजा करने से, उनके बात है ना मानना, अपने जीवन में उतारना उनका उपदेश, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सचमुच उनकी पूजा है, वो ही चाहते हैं। आप भी इस मार्ग में जाके भगवान को पालो, भगवान के आनंद पालो, वो चाहते हैं महात्मा, इसीलिए उनको पकड़ो। उनके पकड़ने के बाद क्या करना चाहिए, उनका उपदेश जो है अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद जो सूत्र है 42 42वां सूत्र है, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, मतलब इसका अर्थ यह है साधु संघ का जब ऐसा अशेष महात्म्य है तब साधु संगति की ही साधना करो। साधु संघ से इतना महत्व है इसलिए साधु संगति के लिए कोशिश करो, और वो जो बोलते हैं वो साधना करो अपने जीवन में। तदेव साध्यताम, साधना के बारे में कहते हुए आपको भक्ति चाहिए तब इसको आप जीवन में उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए, उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए। सिर्फ उनकी पूजा करने से नहीं होगा, महात्माओं की कृपा मिल गई, मिलने के बाद क्या करना चाहिए, उनका उपदेश जो है उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसके अनुसार ये लाना चाहिए। और तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, भक्ति पाने के लिए यही एक मार्ग है, यही एक साधना है। नारद जी कहते हैं तदेव साध्यताम, ये जो महात्माओं की कृपा जो है उसका संगत जो है उसको पाने के लिए तुम कोशिश करो, आगे बढ़ो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम महात्माओं के जीवन में देखते हैं, जब ये महात्माओं के संगत में ना उनका जीवन में जो परिवर्तन आया है, एक उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण के जीवन से ही हम लेंगे, मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्ता, वे एक समय था मतलब बहुत किताब वो सब पढ़े थे और यूनिवर्सिटी का ये थे मतलब ग्रेजुएट थे ये सब थे, लेकिन अपने जीवन में कुछ समस्या आ गई और निपटने के लिए और दूसरा कोई मार्ग नहीं मिला, जैसे आजकल का बहुत सारे लोग सोचते हैं और एक ही मार्ग उनको मिला, अंत कर दो इस जीवन का। लेकिन उनका सौभाग्य इसी बीच
जो भी वो करना चाहते थे उसके बीच श्री रामकृष्ण से मिलना हुआ अकस्मात। और जैसे श्री रामकृष्ण से मिले और उसके बाद उनके पास आने लगे, उनको अच्छा लगा और धीरे धीरे अपने मन से ये ना ये जो सुसाइडल टेंडेंसी जो था वो सभी चला गया, सब कब भूल गए पता नहीं। और श्री रामकृष्ण के पास आने लगे, जब भी समय मिलता था आते थे। और दूसरे दिन जब भी वहाँ रहते थे ना, श्री रामकृष्ण जो भी बोलते थे उसके बारे में ध्यान करते थे और श्री रामकृष्ण जो भी बताए थे उनको अपने जीवन में उतारने के लिए उन्होंने कोशिश किया। करते करते उनके जीवन में देखिए इतने बड़े महात्मा बन गए। बाद में उन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत उन्होंने लिखा है, बहुत अद्भुत। अभी भी सारा दुनिया में जो भी सचमुच साधना करना चाहते हैं वो सब लोग ये गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण उसको पढ़ते हैं। उतना बड़ा इसको उन्होंने दिया, योगदान दिया। जब वे थे कलकत्ता में, बाद में श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद जब कलकत्ता में रहते थे, लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि ये जो कलकत्ता जैसे है ना एकदम डेजर्ट जैसा था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राजधानी था। और वहाँ जैसे आजकल का हमारे हो रहा है जो मॉडर्न कल्चर जो है उसी समय आया था ना वहाँ पे, इसीलिए लोगों को मतलब भगवान को बोलना बहुत सुलभ था। और बहुत सारे लोग बोलते थे हम तो भगवान विश्वास ही नहीं करते। इस कारण से लोगों में जीवन में इतना तकलीफ था, इतना समस्याएं थी, कहाँ पर जाएंगे। और कहते थे ये मास्टर महाशय ऐसे एक इसमें ना डेजर्ट लाइक कलकत्ता वो एक ओयासिस थे। मास्टर महाशय उन लोगों को एक स्ट्रीट लाइट जो होता है ना रात में, वैसे वो ज्ञान देने के लिए, इतना शांति मिलता था लोगों को वहाँ जाने के बाद। और इतना बड़ा महात्मा कैसे बन गए, कैसे बन गए? वो आए थे एक दिन बेलूर मठ में, स्वामी विवेकानंद स्थापित रामकृष्ण मठ जो है उसका हेडक्वार्टर्स जो है बेलूर मठ। और वो मतलब बाहर कुछ नहीं खाते थे, उनके पास में ना वो इसको लेके आए थे पफ्ड राइस किसको बोलते हैं, उसको लेके आए थे और थोड़ा उससे उससे खाने के लिए थोड़ा दही चाहिए। और दही वो किसी ब्रह्मचारी थे वहाँ पे बेलूर मठ का, उनसे बताया देखो थोड़ा दही चाहिए मेरे खाने के लिए। फिर उन्होंने पूछा सिर्फ ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए दही है और कुछ नहीं है, फिर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये बात ना स्वामी प्रेमानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण के शिष्य, वो बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण के पूजा करते थे और बेलूर मठ का मैनेजर थे, उनके कान में गिरा। जब वे सुने इसको तुरंत जो भी श्री रामकृष्ण के नैवेद्य के लिए लिखा हुआ था वो दही लेकर भागे मास्टर महाशय के पास और उनको दिया, उनको खिलाया उसको। और उसके बाद उन्होंने ये प्रेमानंद जी ये कहते हैं आज एक इतना बड़ा अपराध से हम बच गए। ये एक छोटा सा दही मांगते थे और उनको नहीं बोल दिया। श्री रामकृष्ण इतना प्यार करते थे उनको, इतना अपना मानते थे श्री रामकृष्ण, और उनसे श्री रामकृष्ण तुम्हारा एड्रेस बताओ बताए थे। सबके नहीं है, सबके वश में नहीं है कहाँ रहते हो क्या करते हो श्री रामकृष्ण। और दूसरे किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, उनके कहते थे देखो एक टॉवेल लेके आओ, एक शर्ट लेके आओ, मास्टर महाशय को पूछते थे और दूसरे किसी से नहीं पूछते थे। उतना बड़े महात्मा उनका अपचार हुआ, मतलब क्या हुआ, श्री रामकृष्ण का ही, उससे हम बच गए आज, बाल बाल बच गए। मतलब देखिए श्री रामकृष्ण के जो संपर्क में, श्री रामकृष्ण महात्मा थे, उनके संपर्क में आके ये भी महात्मा बन गए। तस्मिन तज्जने भेद अभावात, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये महात्माओं के संगति जो है, सांगत्य जो है, उनका संग जो है, उसको करना चाहिए भक्ति पाने के लिए। और जैसे ही वे बोलेंगे उनके उपदेश जो है उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। भक्ति पाने के लिए यही मार्ग है, तदेव साध्यताम, वही हमारे साधना है, इसको ही साधना चाहिए। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।